शब्द सार ब्रह्म विहार या ब्रह्म विहारी। एक पाली के अंदर एक अवस्था आती है जब कोई भिक्खु या स्वयं भगवान बुद्ध जब सारे के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कोई उनको दुख नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं बहुलीकार। यानी बहुलीकार का मतलब है जो निरंतर अभ्यासी है, जो निरंतर अभ्यास करता है किसका, बुराई मेरे अंदर प्रवेश ना करे। वो 24 घंटे इसको देखता है कि कोई बुराई या कोई पाप कर्म कहीं किसी भी तरह से उसके नजदीक तो नहीं आ रहा है या उसके अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहा है, चाहे वो दृश्य में है, आंखों से है, चाहे वो कानों से है, चाहे वो त्वचा से है, चाहे वो जीभ से है, चाहे वो नाक से है, चाहे वो मन से है। यानी मन से भी कोई पाप कर्म या पाप की बात उसके अंदर नहीं आ रही है, इसका वो निरंतर अभ्यास करता है, उसको पाली भाषा में बहुलीकार बोलते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो बहुलीकार होता है और जो विहार के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं बहुलीकार विहार, यानी बहुली विहारी। बाद में जब इसको संस्कृत भाषा आई और संस्कृत भाषा में बे और आधा रे आया, क्योंकि जो हिब्रू भाषा है उसके अंदर आधा बे और रे है, जो बाहर की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है। भारत में किसी भी भाषा के अंदर, पाली के अंदर आधा रे इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आधा रे ब्रह्म विहार में जो आया है वो बेसिकली हिब्रू भाषा से आया है। ओरिजिनल शब्द है ये बहुली विहारी या बहुलीकार, और इसी को बाद में ब्रह्म विहारी या ब्रह्म विहार बोला गया और इसको लिखा गया। ये बाद में जब आधा रे जोड़ा गया और ये सब में प्रैक्टिस कराई गई सारे, इसलिए आधे बे वाले बहुत थोड़े से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे ही उठा के पाली में लिखे गए हैं, पाली के मूल शब्द नहीं है। इसलिए ये जो शब्द है ब्रह्म विहार, इसको बहुली विहार पढ़ेंगे तो पाली का ओरिजिनल शब्द निकल के सामने आ जाता है। धन्यवाद।